आखिर दो शहजादों ने नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ के 10 सालों के अभेद्य किले उत्तर प्रदेश को ढहा दिया। जहां मोदी व योगी ये दावा कर रहे थे कि यूपी की सारी 80 सीटों को इस बार भाजपा बड़ी आसानी से जीत लेगी, लेकिन लोकसभा के आए नतीजों में ऐसा होते नहीं दिखा। जहां बीजेपी 80 में से सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट गई, वहीं दूसरी ओर तमाम एग्जिट पोल में यह दावा किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन सिर्फ 12 सीटों पर सिमट जाएगा, लेकिन सभी समीकरणों को विफल करते हुए इंडिया गठबंधन ने 43 सीटों पर कब्जा किया। वहीं सबसे बड़ी हॉट सीट अमेठी के नतीजों ने भी सभी को चौंका दिया। जहां बीजेपी की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी को गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाने वाले किशोरी लाल शर्मा ने कड़ी शिकस्त दी, वहीं ये शिकस्त बहुत बड़ी थी। जहां 1.67 लाख की मार्जिन से किशोरी लाल शर्मा ने स्मृति ईरानी को अमेठी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने काफी ध्रुवीकरण किया था, लेकिन इसके नाम पर भी बीजेपी को आश्चर्यजनक शिकस्त मिली। जहां फैजाबाद सीट, जो अयोध्या सीट के नाम से जानी जाती है, वहां सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,567 वोटों से हरा दिया। जहां खुद योगी और मोदी के चुनाव प्रचारों में अयोध्या राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सबसे प्रमुख हिस्सा था, लेकिन बीजेपी को सपा के हाथों यह सीट का चला जाना कुछ पच नहीं रहा है। वहीं तमाम चुनावी विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा ने अयोध्या धाम के विकास पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी के आक्रोश के चलते ग्रामीणों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया। वहीं अयोध्या में रामपथ के निर्माण के नाम पर कई जमीनों पर अंधाधुंध अधिग्रहण किया गया और साथ ही कई लोगों के घरों व दुकानों को भी तोड़ दिया गया और साथ ही लोगों को अभी तक मुआवजा भी नहीं दिया गया है। इसी का आक्रोश चुनावी नतीजे में साफ तौर पर दिखा। वहीं लल्लू सिंह को तीसरी बार चुनावी रण में उतारना बीजेपी को सबसे भारी पड़ा। जहां लोगों की आस थी कि कोई नए चेहरे को मौका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और साथ ही स्थानीय लोगों का लल्लू सिंह के खिलाफ आक्रोश को पार्टी सही समय पर नहीं भाप पाई। इसी के नतीजतन बीजेपी को यह वीआईपी सीट गंवानी पड़ी। वहीं चुनावी प्रचार के दौरान लल्लू सिंह ने बड़े जोरों शोरों से संविधान बदलने को लेकर भी बयान दिया था। इसका खामियाजा इस सीट में बड़ी शिकस्त के रूप में हुआ। वहीं आवारा पशु की समस्या को भी समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छी तरह से भुनाया। इसी के चलते यह सीट समाजवादी पार्टी की झोली में बड़ी आसानी से चली गई। वहीं लोकसभा की सबसे बड़ी वीआईपी सीट कही जाने वाली वाराणसी, जहां से खुद नरेंद्र मोदी प्रत्याशी हैं, इसके नतीजों ने भी सभी को चौंका दिया। भले ही नरेंद्र मोदी ने यह सीट जीती है, लेकिन कांग्रेस के अजय राय ने नरेंद्र मोदी जैसे गद्दावर चेहरे को कड़ी टक्कर दी। जहां मोदी ने केवल 1,52,000 वोटों के अंतर से यह जीत हासिल की, वहीं 2019 में यह जीत का अंतर 3,59,000 वोटों का था। वहीं एक समय तो नरेंद्र मोदी पोस्टल बैलेट की गिनती के वक्त अजय राय से 6,000 वोटों से पिछड़ रहे थे, लेकिन बाद में भले ही मोदी पिछले दो चुनावों के मुकाबले काफी कम मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी को मात देकर जीते। वहीं रुक करें तो इंडिया गठबंधन की ओर, तो इस बार कांग्रेस और सपा की जुगलबंदी सबसे हिट रही। जहां टिकटों के बंटवारे में अखिलेश यादव ने एक सटीक जातिगत समीकरण बैठाया और साथ ही चुनावों के शुरू होने से पहले ही अखिलेश यादव ने पीडीए का एक असरदार नारा दिया, पीडीए यानी पिछड़ा दलित व अल्पसंख्यक। वहीं यह पीडीए का फॉर्मूला बीजेपी के सभी समीकरणों पर पानी फेर गया। वहीं मुस्लिम यादव वोट को सपा का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, इसे भी अखिलेश यादव ने काफी अच्छी तरह से हैंडल किया। जहां इस बार सिर्फ 5 यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया, वहीं ओबीसी के 27, अगड़ी जाति के 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। वहीं इन अगड़ी जातों में 4 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 वैश्य, 1 खत्री उम्मीदवार थे। वहीं 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतारा गया। वहीं यह समीकरण इंडिया गठबंधन के लिए काम आ गया। वहीं राहुल गांधी द्वारा बार बार अपनी रैलियों में कहा गया कि मोदी ने यह 400 पार का नारा सिर्फ भारत देश के संविधान बदलने के लिए कहा है। भाइयों और बहनों, ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये जो किताब है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये आपकी आवाज है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि ये जो किताब है ये खत्म हो जाए और उनका बिना इस किताब के राज चले। हम ये कभी नहीं होने देंगे। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं, सारे के सारे आदिवासी। मैं, चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, कल्पना सोरेन जी, सारे के सारे इस किताब की रक्षा के लिए जान देने को तैयार है।
और साथ ही कांग्रेस और सपा ने इसे आरक्षण से भी जोड़ दिया और अपने वोटरों के साथ ही अन्य दलितों और ओबीसियों के मन में यह बात बैठाने में कामयाब हो गए कि मोदी इस बार आरक्षण को खत्म कर देंगे। वहीं यूपी राजनीति का पूरा गणित आरक्षण के इर्द गिर्द ही घूमता है, नतीजा आपके सामने ही है। वहीं राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में यह भी कहा था कि भाजपा ने अग्निवीर योजना सिर्फ प्रदेश के युवाओं को ठगने के लिए लाई है, हमारी सरकार आते ही हम इस अग्निवीर योजना को उखाड़ फेंकेंगे। कांग्रेस इस बात को उत्तर प्रदेश के युवाओं के बीच फैलाने में बड़ी सफल रही। उत्तर प्रदेश के युवाओं में भारत की सेना और रक्षा के लिए सेना में जाने का जुनून रहता है। दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई थी, जिसका विरोध भी हुआ। इस विरोध का असर भाजपा के चुनावी नतीजों पर पड़ा। वहीं अरविंद केजरीवाल द्वारा अपनी रैलियों में बार बार कहा गया कि योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव के बाद सीएम पद से हटा दिया जाएगा। चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री ने बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए ये बात काम कर गई। वहीं राजपूत वोट भी बीजेपी से अच्छा खासा छिटक गया और साथ ही केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत समाज को लेकर विवादित टिप्पणी भी भाजपा के लिए यूपी में नुकसान कर गई। बीजा खूब रहा, अंग्रेजों खूब रहा, दमन कर बाकी नहाराजाओ नहीं रोटी बेटी ना व्यवहार कर પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બેટલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો, એને સૌથી વધુ દમન કરવામાં આવ્યું હતું, પણ એ નતા હેટા, આ 1000 વર્ષે રામ એના ભરોસે આવ્યો છે, એમને નથી આવ્યો તેથી એની તલવારો આગળ નહોતા ઝૂક્યા, ન તો નાના માણસો હતા, ન તો એ ભયથી તૂટ્યા, ન ભૂખથી તૂટ્યા, અને અડીખમ રીતે ટીક્યા, એ સનાતન ધર્મ છે। એના આ વારસદારો જો, અમને તમારા માટે માન છે, મને તો તમારા માટે ગૌરવ છે। लेकिन गुजरात में यह सही साबित नहीं हुई। वहां राजकोट सीट से पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय आंदोलन और राजपूतों के विरोध के बावजूद 484,260 मतों से जीत दर्ज की। वहीं नौकरी और पेपर लीक का मुद्दा भी युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा। जहां एक ओर युवा सालों तक किसी प्रतियोगी परीक्षा में अपना सब कुछ त्याग देते हैं, वहीं दूसरी ओर जब पेपर होता है तो प्रशासन इसे भी ढंग से नहीं करा पाता और आए दिन यूपी में तमाम भर्ती परीक्षाएं लीक होती रहती हैं। इसी का नतीजा युवाओं के आक्रोश के रूप में चुनावों के परिणाम में दिखा। वहीं मायावती ने भी बीजेपी को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई। जहां भी मायावती ने अपने उम्मीदवार उतारे वहां सिर्फ सपा कांग्रेस गठबंधन को ही फायदा मिला और भाजपा को मायावती ने वोट कटवा के रूप में नुकसान पहुंचाया। मायावती के अपने प्रत्याशी उतारने से दलित वोटों में भी भारी बंटवारा हो गया। इसका खामियाजा सबसे अधिक पश्चिमी यूपी में दिखा, जहां भाजपा को सबसे अधिक नुकसान मेरठ, मुजफ्फरनगर, चंदौली, खीरी और घोसी लोकसभा सीटों में हुआ, जहां इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हुई। वहीं यह चुनावी नतीजे भारतीय राजनीति के परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देते हैं। यूपी जिसे भाजपा का 2014 से अभेद्य किला माना जाता था, इसमें विपक्षी दलों की शानदार वापसी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मतदाताओं की प्राथमिकताएं और मुद्दे समय के साथ बदलते रहते हैं। भाजपा के लिए यह नतीजे एक चेतावनी है कि उसे अपनी रणनीतियों और जन समर्थन के तरीकों पर पुनर्विचार करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा, आवारा पशुओं की समस्या, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे और उम्मीदवारों के चयन में गलतियां उन्हें भारी पड़ी। इसके साथ ही विपक्षी गठबंधन के बेहतर जातिगत समीकरण और मुद्दों को भुनाने की क्षमता ने उन्हें बड़ी सफलता दिलाई। इंडिया गठबंधन की यह जीत दिखाती है कि अगर विपक्ष एकजुट हो और सही रणनीति अपनाए तो वह भाजपा के गढ़ में भी सेंध लगा सकते हैं। चुनावी परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि संविधान, आरक्षण और रोजगार जैसे मुद्दे अभी भी भारतीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहीं भाजपा के लिए आत्मनिरीक्षण और रणनीति सुधार का समय है, जबकि विपक्ष के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। आने वाले समय में भारतीय राजनीति में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।